हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक्निकल लविश पर। तो दोस्तों ये वीडियो होने वाली है वीवो के ब्रांड न्यू स्मार्टफोन वीवो Y73 के ऊपर। इस वीडियो में दोस्तों हम वीवो Y73 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और जानेंगे कि इसमें हमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं, क्या क्या दोस्तों इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। ये वीडियो में दोस्तों आपको डिटेल्ड वीडियो होने वाली है वीवो Y73 के ऊपर, और इस वीडियो में आपको वीवो Y73 के बारे में डिटेल में सारा कुछ बता दूंगा। ये वीडियो में आपको सारा कुछ पता लग जाएगा Vivo Y73 के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जाके दोस्तों ऑल पे कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारी आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे जैसे ही हम दोस्तों एक नई वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं Vivo Y73 की अनबॉक्सिंग, और उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल स्पेसिफिक बताऊंगा कि इस फोन में आपको क्या क्या नई नई स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं, क्या क्या नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है लविश कंसल, आप देख रहे हो टेक्निकल लविश। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Vivo Y73, तो दोस्तों ये मेरे पास इसी Vivo Y73 का एक्सक्लूसिव बॉक्स। तो आप दोस्तों बॉक्स तो देख ही रहे हो सामने दोस्तों, इसी की रैम और स्टोरेज लिखी हुई है। 8GB दोस्तों इसी फोन की रैम है और 128GB दोस्तों इसी फोन की रोम है। और साइड पे दोस्तों Vivo IPL और Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर और नीचे दोस्तों बिल्कुल खाली है। पीछे की तरफ दोस्तों यहाँ पे इसी फोन की मेन स्पेक्स लिखी है। 33 वोल्ट फ्लैश चार्ज, 7.3mm अल्ट्रा स्लिम AG ग्लास, 64MP नाइट कैमरा, 8GB रैम प्लस 3GB एक्सटेंडेड रैम। तो ये दोस्तों मेन हाइलाइट्स लिखी है इसी फोन की। यहाँ पे दोस्तों इसी का कलर और इसी की जो दोस्तों रैम और स्टोरेज है वो लिखी हुई है। ये है दोस्तों मेरे पास इसी के रोमन ब्लैक कलर में। वैसे आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको दो कलर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट कलर है रोमन ब्लैक और दूसरा कलर है दोस्तों डायमंड फ्लेयर। और इसमें आपको दोस्तों अभी तो फिलहाल एक ही जो वेरियंट है वो ही देखने को मिल रहा है। अभी व्यू की तरफ से आपको एक ही वेरियंट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों इसी की प्राइस लिखी हुई है 24,990। तो दोस्तों वीडियो के आगे ये तो दोस्तों MRP है, बट दोस्तों एक्चुअल प्राइस इसकी क्या है वो दोस्तों आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगी। आपको दोस्तों वीडियो के एंड में बता दूंगा कि इसी की दोस्तों एक्चुअल प्राइस क्या है। तो चलिए दोस्तों अनबॉक्स करके देखते हैं इसी Vivo Y73 स्मार्टफोन को। तो देखते हैं इसी के अंदर हमें क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे एक ऊपर सेक्शन लगा हुआ है Vivo की ब्रांडिंग के साथ में, देख लिया जाएगी इसी सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी सेक्शन में हमें एक क्लियर केस देखने को मिलता है। काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है दोस्तों केस, काफी ज्यादा दोस्तों अच्छी क्वालिटी का केस यहाँ पे हमें Vivo ने प्रोवाइड किया है। इसी के साथ यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएंगी, और इसके अंदर दोस्तों और कुछ भी नहीं है। ये दोस्तों हम साइड कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों नीचे रखा हुआ है ये Vivo Y73 मेन फोन, इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करते हैं। इसके नीचे दोस्तों एक लिड के नीचे आपको इसी का 33 वोल्ट का अडेप्टर देखने को मिल जाएगा, जो दोस्तों काफी ज्यादा फास्ट अडेप्टर है। ये दोस्तों आपके फोन को अराउंड 1.5 आवर में फुल चार्ज कर देगा 0 से 100%, काफी ज्यादा फास्ट अडेप्टर है। इसी के साथ आपको यहाँ पे USB A2 Type-C केबल देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों ये अच्छी बात है कि यहाँ पे दोस्तों आपको Vivo ने ईयरफोन्स भी प्रोवाइड किए हैं, Vivo के ओरिजिनल ईयरफोन्स, जो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। तो ये तो थे दोस्तों इसी Vivo Y73 के बॉक्स कंटेंट्स। और दोस्तों बॉक्स कंटेंट्स को साइड करते हुए हम बात करते हैं Vivo के Y73 मेन फोन के बारे में। तो बॉक्स कंटेंट्स को मैं साइड पे कर देता हूँ। फोन की दोस्तों प्रोटेक्शन को रिमूव करते हुए हम देखते हैं कि दोस्तों हमें फोन कैसा देखने को मिलता है Vivo Y73। तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन से तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन लग रहा है। काफी ज्यादा दोस्तों लाइट वेट है, बिल्कुल ही लाइट वेट है, और काफी ज्यादा दोस्तों स्लिम है। जैसे कि दोस्तों बॉक्स पे भी हाईलाइट शो की हुई थी, इसकी हमें 7.38 समथिंग mm की थिकनेस देखने को मिलती है। काफी ज्यादा स्लिम फोन है और दोस्तों काफी ज्यादा हमें हैंड में पकड़ के काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है इसी स्मार्टफोन को पकड़ के। तो काफी ज्यादा दोस्तों मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। डिजाइन भी दोस्तों कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और दोस्तों मैंने पर्सनली मुझे ये दोस्तों रोमन ब्लैक कलर मुझे अच्छा लगा था। पर्सनली मैंने दोस्तों इसी का डेमो पीस मंगवाया था आप सभी के लिए अनबॉक्सिंग करने के लिए। इसका दोस्तों आपको दूसरा कलर भी देखने को मिलता है डायमंड फ्लेयर, वो भी दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा कलर है। ब्लू दोस्तों वो डायमंड टेक्सचर में आता है, तो काफी ज्यादा कलर है। बेसिकली दोस्तों वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। वो दोस्तों एक ऐसा डिजाइन है जो दोस्तों काफी लोगों को बिल्कुल ज्यादा पसंद आएगा और काफी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, वो दोस्तों आपकी चॉइस है। पर्सनली मुझे दोस्तों ये रोमन ब्लैक कलर ज्यादा फेवरेट लगा था। जो दोस्तों इसमें आपको हल्की हल्की सी लाइनिंग देखने को मिलती
आती है। और दोस्तों पीछे आपको एक मैट फिनिश देखने को मिलती है इसी Vivo Y73 में, और काफी ज्यादा दोस्तों डिजाइन भी काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। साइड पे आपको दोस्तों मेटल का फ्रेम देखने को मिल जाता है, फ्रंट पे आपको एक नोच वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वो तो काफी ज्यादा दोस्तों डिजाइन के मामले में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। इसी का दोस्तों जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है वो भी दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नीचे आपको वीवो की एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, मैट फिनिश में दोस्तों काफी ज्यादा इन एंड फील काफी ज्यादा अच्छी आ रही है। तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन मेरे काफी ज्यादा अच्छे गए इसी फोन को लेके। मैं दोस्तों जल्दी से इसी स्मार्टफोन का सेटअप करके आपको आगे की दोस्तों सारी स्पेसिफिकेशन बता दूं कि इसी फोन में आपको कैसी कैसी कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी फिलहाल फटाफट से सेटअप करके मिलते हैं हम आगे की वीडियो में। तो ये तो थी दोस्तों इसी फोन की अनबॉक्सिंग। अब दोस्तों बात कर ली जाए Vivo Y73 की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू कर लेते हैं हम डिजाइन से। अगर दोस्तों डिजाइन की बात करें तो इसमें दोस्तों हमें काफी ज्यादा स्लिम फोन देखने को मिलता है, अल्ट्रा स्लिम फोन देखने को मिलता है, 7.38 समथिंग एमएम की थिकनेस के साथ में देखने को मिलता है। पीछे दोस्तों हमें मैट फिनिश देखने को मिलती है जो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। इस स्लिम फोन होने की वजह से दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा फोन लग रहा है, काफी ज्यादा प्रीमियम फील आ रही है इसी फोन को लेकर जो दोस्तों आप यहाँ पे देख ही रहे हो। अगर दोस्तों बात कर ली जाए इसी फोन की डिस्प्ले की तो दोस्तों इसमें आपको 6.44 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो दोस्तों 60 हर्ट्ज का पैनल हमें देखने को मिलेगा इसी फोन में। हाँ दोस्तों Vivo यहाँ पे हमें इसी प्राइस रेंज में 90 हर्ट्ज का पैनल जरूर प्रोवाइड कर सकता था, बट नहीं दोस्तों हमें Vivo ने 90 हर्ट्ज का पैनल नहीं प्रोवाइड किया। इसमें दोस्तों हमें 60 हर्ट्ज का ही पैनल देखने को मिलता है, बट दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से मैंने एक्सपीरियंस की है इसी फोन में काफी दोस्तों अच्छा वर्क करती है। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह, कलर सैचुरेशन प्रॉपर अच्छा दिखता है और दोस्तों कलर्स वगैरह प्रॉपर दिखते हैं, काफी ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले लगती है, चलाने में काफी ज्यादा स्मूथ फील आती है। टच रिस्पॉन्स भी हमें इसका काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो काफी ज्यादा दोस्तों अच्छी डिस्प्ले है इसी फोन की, क्योंकि दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। हाँ हमें 60 हर्ट्ज का पैनल तो देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे देती है हमें। और दोस्तों अगर हम बात करें इसी फोन की कैमरा की तो दोस्तों पीछे की साइड हमें इसमें 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे दोस्तों प्राइमरी कैमरा है, प्राइमरी लेंस है जो वो है दोस्तों 64 मेगापिक्सल का। दो और दोस्तों दो यहाँ पे छोटे कैमरास लगा रखे हैं 2-2 मेगापिक्सल, जो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी मतलब लगा नहीं कि ये दोस्तों यूजफुल है। बिल्कुल दोस्तों इस प्राइस रेंज में हमें Vivo ने एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हमें अच्छा मेगापिक्सल के साथ में देना चाहिए था, जो दोस्तों Vivo ने हमें यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया। हमें यहाँ पे दोस्तों एक 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ में एक 2 मेगापिक्सल के छोटे छोटे दो कैमरास प्रोवाइड किए हैं जो दोस्तों मैक्रो या डेप्थ के लिए हैं। और दोस्तों फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों Vivo के कैमरास वो काफी ज्यादा अच्छे होते ही हैं। मेरे दोस्तों इसी Vivo के फोन से Vivo Y73 फोन को कैमरा टेस्ट करके देखा था, जिसमें दोस्तों मैंने कुछ कैमरा सैंपल्स लिए, जो आप दोस्तों स्क्रीन पे कैमरा सैंपल्स देख रहे हो वो दोस्तों मैंने इसी Vivo Y73 के फ्रंट और रियर कैमरा से क्लिक की है। सारे दोस्तों इसी के कैमरा मोड्स को यूज करके जो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो फोटोज दोस्तों मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छी आई है। बाकी दोस्तों फोटोज को देख के आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको दोस्तों इसी Vivo Y73 की कैमरा क्वालिटी कैसे लगी इसी की प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली। और दोस्तों अगर हम बात करें प्रोसेसर की, इसी फोन के प्रोसेसर की, इसमें दोस्तों हमें MediaTek Helio G95 गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों नो डाउट काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। हाँ दोस्तों गेमिंग चिपसेट है, और दोस्तों इसका एंटर स्कोर भी 3 लाख के आसपास देखने को मिलता है, 2,90,000 और 3 लाख के आसपास देखने को मिलता है, जो दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट माना जाता है। बट दोस्तों इस प्राइस रेंज में हमें Vivo एक अच्छा चिपसेट प्रोवाइड कर सकता था, बट नो डाउट दोस्तों ये काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है, बट दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से हमें और अच्छा चिपसेट देखने को मिल सकता था, एक 5G चिपसेट देखने को मिल सकता था। MediaTek Dimensity 700 चिपसेट हो गया, जैसे Qualcomm Snapdragon में दोस्तों जो 700 की जो ऊपर वाली सीरीज है 800 की सीरीज में से कोई ना कोई दोस्तों एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिल सकता था, बट दोस्तों MediaTek Helio G95 तो हमें दोस्तों Realme 8 जो दोस्तों 15,000 के उसमें भी देखने को मिल जाता है, Realme 7 में भी देखने को मिल जाता था, और भी काफी फोन में देखने को मिल जाता है। बट दोस्तों नो डाउट प्रोसेसर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में मैं इतना ज्यादा दोस्तों एफिशिएंट इस फोन को नहीं कहूंगा। और दोस्तों फोन स्लिम होने की वजह से अगर हम बैटरी की बात करें तो दोस्तों फोन स्लिम होने की वजह से यहाँ पे Vivo ने सिर्फ 4000mAh बैटरी को यूज किया है, इसी के दोस्तों डिजाइन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने एक स्लिम फोन बनाना था, काफी ज्यादा लाइट वेट फोन बनाना था, तो दोस्तों यहाँ पे उनको
बैटरी यहाँ पे दोस्तों घटानी पड़ी, बैटरी को दोस्तों कम करना पड़ा। तो दोस्तों इसमें वीवो ने हमें सिर्फ 4000 एमएच की बैटरी प्रोवाइड की है, जो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा कम बैटरी है। हाँ दोस्तों ये अच्छी बात है कि वीवो ने यहाँ पे हमें 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट प्रोवाइड किया है। चार्जर भी दोस्तों हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो दोस्तों काफी ज्यादा फास्ट चार्जर है, आपके फोन को अराउंड 1.5 आवर में फुल चार्ज कर देगा। अगर दोस्तों बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोस्तों इसमें आपको फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों देखने को मिल जाते हैं, जो दोस्तों दोनों ही काफी ज्यादा प्रॉपरली काम करते हैं, काफी ज्यादा फास्ट काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो। और दोस्तों अगर हम और स्पेसिफिकेशंस की बात करें, अगर दोस्तों हम स्पीकर की बात करें, दोस्तों यहाँ पे मैंने इसी स्पीकर को टेस्ट किया था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी तो हमें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, बट हाँ दोस्तों इसमें हमें एक मोनो स्पीकर ही देखने को मिलते हैं, हमें इसमें दोस्तों ड्यूल स्पीकर्स नहीं देखने को मिलते। बट दोस्तों मुझे ऐसे लगता है इस प्राइस रेंज के हिसाब से वीवो ने हमें एक ड्यूल स्पीकर प्रोवाइड करने चाहिए थे, बट नहीं दोस्तों इसमें हमें एक मोनो स्पीकर ही देखने को मिलते हैं, सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, जो दोस्तों नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, बट दोस्तों यहाँ पे हमें एक ड्यूल स्पीकर प्रोवाइड करने चाहिए थे। और अगर दोस्तों हम बात करें वीवो Y73 की प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों इसी का जो वेरिएंट है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, उसका प्राइस है दोस्तों इंडिया में 20990, अराउंड दोस्तों ये हमें 21000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसी फोन की ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके, तो दोस्तों इसमें आपको फन टच ओएस 11.1 देखने को मिलता है, जो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है, और इसमें दोस्तों जो कि दोस्तों बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पे, इसमें दोस्तों आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिलता है, जो दोस्तों ये यहां पे अच्छी बात हो जाती है। तो दोस्तों आप सोच रहे होगे कि हमें ये फोन बाय करना चाहिए या नहीं, मैं दोस्तों आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता देता हूं इसी फोन को लेके। ये फोन दोस्तों मुझे डिजाइन के मामले में, कैमरा के मामले में काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी ज्यादा दोस्तों इन एंड फील इस फोन की काफी ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा लाइट वेट फोन है। हाँ इसमें हमें प्रोसेसर और एक काफी ज्यादा और पावरफुल देखने को मिल सकता था, बैटरी हमें थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती थी, प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों थोड़ी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस हमें इसमें ज्यादा देखने को मिल सकती थी, बट दोस्तों नो डाउट ये फोन काफी ज्यादा अच्छा निकाला है वीवो ने। प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों अच्छा फोन है, स्लिम फोन है, मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को दोस्तों एक स्लिम फोन चाहिए उनको दोस्तों बैटरी की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है या प्रोसेसर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल गेमिंग प्रोसेसर चाहिए उनके लिए दोस्तों ये बेस्ट फोन है इस प्राइस रेंज में वीवो का, जो दोस्तों काफी ज्यादा लाइट वेट है, काफी ज्यादा दोस्तों अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। तो ये फोन दोस्तों काफी ज्यादा अच्छा निकला है वीवो की तरफ से इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो थी इसी वीवो Y73 के ऊपर, जो मैंने आपको प्रॉपरली आपको बता दिया, अनबॉक्सिंग करके दिखा दी और फीचर्स बता दिए। अब वो दोस्तों आपको कोशिश करूंगा कि आपका दोस्तों वीवो Y73 के ऊपर रिव्यू भी लेके आऊं, फुल रिव्यू लेके आऊं, डिटेल रिव्यू लेके आऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं, इसी फोन को प्रॉपरली टेस्ट करके कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।